हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो एक साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। ये फाइबर और विटामिन से भरपूर है। इस रेसिपी में जो विटामिन और मिनरल्स है वो हमारे बच्चे की ब्रेन और हेल्थ दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बेबी फूड को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 बादाम और साथ में हम लेंगे 1 चम्मच किशमिश और हम लेंगे 3 खजूर जिसमें से हमने बीज निकाल लिया था और उसे कट कर लिया था। ये तीनों चीजें विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं, जो एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन सारी चीजों को हम पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक बार अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे सोख होने के लिए रख देंगे, कम से कम 5 से 6 घंटे। आप इसे रात में भिगो के रख सकते हो जिससे सुबह आप इसे अपने बच्चे को तैयार करके खिला सको। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले 1/4 कप पोहा लेंगे और उसे वॉश करके 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे वह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पोहा या चूड़ा हम वही लेंगे जो हम अपने घर में पोहा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट रेस्ट करने देने के बाद पोहा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें पोहा डाल लेंगे। अब हम अपने भिगाए हुए डेट्स और बादाम लेंगे जिसमें से हमने बादाम को छील लिया है और फिर हम सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर में पोहे के साथ डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसका बिल्कुल महीन पेस्ट तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम इसे पकाएंगे। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे या आप कोई भी बर्तन ले सकते हो और उसमें अपना पेस्ट डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध डालने के बाद हम इसे चलाते हुए मीडियम से स्लो आंच पे 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल बन के तैयार है। कोई इसमें अलग से मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि किशमिश और डेट्स दोनों मीठे होते हैं, तो आपको इसमें अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी पतला या गाढ़ा होने की कंसिस्टेंसी अपने बच्चे के खाने के हैबिट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। झटपट से ये हेल्दी और टेस्टी डिश हमारे बच्चे के लिए तैयार हो गई जो उसकी ग्रोइंग एज में उसकी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की ज़रूरतों को पूरा करेगा। है ना ये मिनटों में बन जाने वाली पौष्टिक रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।